देखिए, आज शाम को छात्र नेताओं द्वारा मुझे एसएम टू इंस्पेक्टर सिविल लाइन सीओ बरला, हम लोग यहाँ गश्त में थे, इन लोगों ने हमसे निवेदन किया कि सर आप अंदर आइए और आप हमारे साथ रोज़ अफ्तार करें। चूँकि छात्रों ने प्यार से बुलाया था, हम उनके निमंत्रण पर गए और उनके साथ हम लोगों ने भी रोज़ अफ्तारी की। हमें अच्छा लगा, हम शांति चाहते हैं। अगर हमारा छात्रों के साथ बैठने शांति कायम हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। छात्रों ने बहुत प्यार से अंदर बुलाया था और अपने साथ बैठाकर उन्होंने हमें रोज़ अफ्तारी कराई, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, ये एक हम एक छोटा सा पार्ट हैं, वरना ये पूरे देश में आज के दिन सब लोगों ने रोज़ा रखा, खास करके मुसलमान मेजॉरिटी मुस्लिम ने रोज़ा रखा और अमन पूरे देश में फैल लाने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी जैसे पहले हिंदुस्तान था उसको लाने के लिए दुआ भी हुई है। और अभी भी कुरान खानी भी दोपहर में इससे पहले हुई है, असर की नमाज़ वही 4 बजे के बाद, और कुरान खानी भी चलती रही 3 से 5 बजे तक के कंटिन्यू, उसमें दुआ भी हुई है। हमने दुआ उन लोगों के लिए जो घायल हुए हैं और जो इंतकाल कर गए हैं उनकी मगफरत के लिए, उनके घर वालों के लिए सब्र के लिए हुआ है, इंक्लूडिंग घायल ये नहीं कि स्टूडेंट हुए हैं या आम नागरिक हुए हैं बल्कि जो पुलिस ऑफिसर भी घायल हुए हैं हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ ये भी कर रहे हैं कि जो सरकार हम लोग से नफरत अगर रख रही है वो ख़त्म कर दे, जिन लोगों की भी हम लोगों से नफरत है वो ख़त्म कर दे, अमन आ जाए, हम सब लोग एक साथ हैं इंशाल्लाह।